chapters, new chapter, enter acid in pharmacochemistry. Gastrointestinal जो agents हमने last talk में study किए थे, gastrointestinal agents, उनके जो हम treatments के लिए कौन कौन से agents हम use करते थे, उसका second है हमारा enter acids. Antacid commonly term में जो हम लोगों को पता कि घर में भी use होते हैं, जब acidity होते हैं उनको acidity को treat करने के लिए जो हम medicines लेते हैं, उनको बोलते हैं enter acids. अब antacid की definition क्या है? Antacids are the substances which are used to neutralize the gastric content. गैस्ट्रिक पीएच उसको मेंटेन कर देते हैं. हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि
एस्टिफाइंग एजेंट्स में कि हमारी जो गैस्ट्रिक एस्टिफायर क्या है वो पीएच कम कर देते हैं, जो गैस्ट्रिक एस्टिफायर्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए हम लोग वीक बेस लेते हैं। ठीक है, वीक बेस लेने से क्या होता है, हमारी जो पीएच है वो मेंटेन हो जाती है और हमारा जो है स्टमक में एसिडिटी की अमाउंट डिक्रीज हो जाती है। अब मोस्ट ऑफ जो एंटी एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, आर रिलेटिव फ्री फॉर्म ऑफ सीरियस साइड इफेक्ट। जो हमारे एंटी एसिड्स हैं उनके बहुत सारे सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम बाइकार्बोनेट को छोड़कर, क्योंकि इसकी जो है पीएच है सोडियम बाइकार्बोनेट की वो क्या है, पीएच अबव 7 से ज़्यादा है। अब फर्स्ट के नेक्स्ट है हमारा आइडियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी एसिड। अब आइडियल जो करेक्टरिस्टिक्स है हमारा जो एंटी एसिड्स है वो कैसे होने चाहिए, आइडियल उसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट है हमारा इट शुड बी अब्सोर्बेबल, वो अब्सोर्बेबल होना चाहिए एंड और कॉज सिस्टमिक अल्कलोसिस और हमारे बॉडी में जाके अल्कलोसिस प्रोड्यूस कर सके। सेकेंड है जो एंटी एसिड है वो लक्सेटिव फॉर्म में नहीं होना चाहिए, अगर हम ये ना हो कि वो लक्सेटिव हो या फिर कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करे जिससे हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट वन है जो हमारा एंटी एसिड्स है वो क्या रैपिडली है जो इफेक्ट करना चाहिए एंड लॉन्ग पीरियड तक उसका जो इफेक्ट है वो हमारी बॉडी में रहना चाहिए। नेक्स्ट जो एंटी एसिड्स हैं वो क्या जो पेप्सिन की हमारी एक्टिविटीज है एंजाइम की उसे इनहिबिट करते। ठीक है, द एंटी एसिड शुड प्रोपेवेबली इनहिबिट पेप्सिन। नेक्स्ट वन है जो एंटी एसिड्स है वो क्या उनके बफर रेंज जो है पीएच रेंज है वो 4 से 6 होनी चाहिए। लास्ट वन है जो एंटी एसिड्स है वो क्या करें, हाइड्रोक्लोरिक जो हमारे स्टमक में बन रहा है उसके साथ रिएक्शन करें बट शुड नॉट कोज ए लार्ज वॉल्यूशन ऑफ एसिड, वो और ज़्यादा एसिड क्रिएट ना करें। ये थी हमारी आइडियल करेक्टरिस्टिक्स जो हमारी एंटी एसिड की जो मेडिसिन है उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट वन है जो हमारे पेशेंट्स हैं, ठीक है, वो सफरिंग फ्रॉम जिनके ज़्यादा एंटी एसिडिटी बनती है वो क्या करते हैं, जैसे पेप्टिक अल्सर ड्यूओडेनल अल्सर के साथ वो क्या इफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो हमारी बॉडी में अल्सर्स बना लेते हैं। जो पेशेंट्स इनसे सफर करते हैं उनके लिए बेस्ट जो है वो क्या है, ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट जो मेडिसिन है वो क्या है, एंटा एसिड्स। अब एंटा एसिड्स क्या है, एंटा एसिड विच ऑर्गेनिक एंटी अल्सर एजेंट्स विच आर पोटेंशियल हिस्टामिन रिलीज इनहिबिटर्स है। जो हमारी एंटा एसिड्स है लोकेशन ऑफ अल्सर्स के कहाँ पर होते हैं, ओसोफेगस में हो सकता है, ठीक है, गैस्ट्रिक ड्यूओडेनल में और जियोजुमेन में हमारे जो है अल्सर वो वहाँ पर प्रोड्यूस स्टार्ट हो सकते हैं बनने। ठीक है, इसमें क्या होता है जो ट्रीटमेंट है विल रेंज फ्रॉम प्रॉपर डाइट, जो हम ट्रीटमेंट इसका अल्सर्स का कैसे ट्रीट कर सकते हैं, फर्स्टली तो हम प्रॉपर बैलेंस डाइट, ठीक है, प्रॉपरली डाइट लेके विदाउट स्पाइसी कम लेके। सेकेंड है एंटी एसिड को यूज़ करके हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर अल्सर है तो एंटी अल्सर जो एजेंट्स हैं मेडिसिन उनका यूज करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपना। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ एंटी इमोशनल स्ट्रेस, जो है इमोशनली जो अपना स्ट्रेस है उसे कम करके हम कंप्लीटली अपने अल्सर से जो उनको ट्रीट कर सकते हैं प्रॉपर बेड रेस्ट लेकर। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसके लिए क्या करवाएंगे, सर्जरी, अल्सर्स की सर्जरी करवा कर हम अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बट जो पेशेंट्स हैं हम लोग जैसे जो एसिडिटी क्यों बनती है, वाई एसिडिटी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी स्टमक, जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, सुबह नहीं खाया स्किप हो गया, दोपहर को स्किप हो गया, या फिर हम दिन में एक बार जो खाना खाते हैं उस टाइम क्या करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो, ठीक है, एक्सेस में ज़्यादा अमाउंट में, जैसे 2 या 3 चपाती के बजाय हम लोग 5-6 खा लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है ओवर ईटिंग हो जाती है और एकदम से इकट्ठा खाना खाने से हमारी जो है स्टमक में एसिडिटी प्रोड्यूस होती है। हमें एसिडिटी से बचने के
के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपना रूटीन बनाना चाहिए कि हम लोग जो है मील्स को डिवाइड करके खाएं, ठीक है। जैसे छोटा छोटा टाइम है जो ईट स्मॉलर मील्स हम लोग खाएं, जैसे हमने पहले सुबह नाश्ता किया, फिर 11 बजे हम लोग फूड या फ्रूट खा सके, फिर हमने लंच किया, फिर उसके बाद हमने स्नैक्स वगैरह ले लिए, और उसके बाद हम फिर रात को डिनर करेंगे। ज़्यादा इकट्ठा खाना खाने से अच्छा है कि हम लोग अपनी जो डाइट है उसको थोड़े थोड़े मील्स में डिवाइड कर लें, जिससे जो हमारी बॉडी में वो एसिडिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। अब जो हमारे पास एसिडिटी है वो कैसे होती है, या फिर इरिटेटिंग फूड से, अनकुक्ड फूड से हो गया, स्पाइसी और फ्राइड जो फूड से उनसे होती है। ज़्यादा हम लोग जब ऑयली खाना खाते हैं, या फिर जो प्रॉपरली कुक नहीं होता खाना वो खाएंगे, या फिर हम लोग जब ज़्यादा स्पाइसी इरिटेटिंग जो फूड है वो खाते हैं, उस टाइम हमारे जो स्टमक है उसमें क्या है, एसिडिटी प्रोड्यूस होती है। अब जो एसिडिटी है उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, एंटी एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड टू टाइप्स, सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक। फर्स्ट है जो सिस्टमिक एंटासिड्स में, ये क्या सिस्टमिक एंटासिड्स क्या है, जो सोल्यूबल है, रेडली अब्सॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी में, और कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सिस्टमिक इलेक्ट्रोलाइट अल्ट्रेशन एंड अल्कलोसिस, जो उसी टाइम जो है अल्कलोसिस प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्टली एक तो अब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड है ये सोल्यूबल है, उसका ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में प्रोड्यूस है जो सिस्टमिक इलेक्ट्रोलाइटिक अल्ट्रेशन नहीं हो पाते रैपिडली, तो उसकी एग्जांपल है जैसे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट, वो हमारे कैल्शियम एंड एल्युमिनियम कार्बोनेट्स। अब हम क्या है जो हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट
इसके अब क्लासिफिकेशन है, जैसे सिस्टमिक में आप फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जो नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स है वो आगे फोर टाइप में डिवाइडेड है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कंटेनिंग कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कॉम्बिनेशन एंटा एसिड्स। Combination. जो नॉन सिस्टमिक है उसमें फोर टाइप्स है, एल्युमिनियम जो कंटेनिंग एंटासिड्स है, इसमें जो एल्युमिनियम से रिलेटेड है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्स एल्युमिनियम अमाइनो एसिडेट, ठीक है, और बेसिक एल्युमिनियम कार्बोनेट उसकी एग्जांपल है। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कंटेनिंग है जो कैल्शियम से रिलेटेड एंटासिड है जिनमें कैल्शियम प्रोड्यूस है, जैसे एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट और ट्राई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट वाली हमारी मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स। मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स में क्या है, जैसे एग्जाम्पल है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सिट्रेट जो है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉस्फेट एंड ट्राई सिलिकेट। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन। जो कॉम्बिनेशन एंटासिड्स हैं उनमें एग्जाम्पल आ जाती है हमारी, जैसे फर्स्ट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ठीक है, सेकेंड है एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें दो कॉम्बिनेशन होंगे, एल्युमिनियम भी प्रेजेंट है और मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रेपरेशन। सेकेंड एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन एंटासिड्स की, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम ट्राई सिलिकेट। अब जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है वो हम सिस्टम मोस्टली क्यों यूज करते हैं, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो क्या रैपिडली एक्ट करता है एज एंटा एसिड्स। जो सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें क्या क्या स्पेशलिटीज हैं, एक तो वो रैपिडली एक्ट करेगा एंटासिडली, वो क्या स्लो एक्ट करता है, स्लोली एक्टिंग।
जो मैग्नीशियम सोल्ट है वो हमारा क्या स्लोली एक्टिंग करता है, इन एक्शन स्लोली एक्शन अपना प्रोड्यूस करता है, बट डू नॉट इफेक्ट द सिस्टमिक एसिड बेस बैलेंस। बट इसका कोई एसिड बेस जो हमारे फिजिकोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ये क्या, बट इसका क्या कारण है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, कॉज डायरिया। ये डायरिया प्रोड्यूस करते हैं इसलिए हम इसका जो यूज है वो बहुत कम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन है वो नॉट इम्पोर्टेंट, बट रेनल फेलियर जो है मैग्नीशियम सॉल्ट है उनको हम नहीं लेते, जिनके लिए रेनल फेलियर की प्रॉब्लम्स है जिन पेशेंट्स को उनको हम अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड, वो क्या करता है एसिड बेस को कोई इफेक्ट नहीं करता, बट इसका अगर हम ओवर डोज या फिर प्रोलॉन्ग ही यूज करते हैं तो इससे हमारे बॉडी में क्या हो जाता है हाइपर कैल्शियम, जो हाइपर कैल्शियमिया है उससे हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। जो कैल्शियम सॉल्ट है वो क्या प्रोड्यूस करता है कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपाउंड स्टार्ट करेंगे एंटासिड्स।